मदर टेरेसा स्कूल द्वारा चालू किए गए ऑनलाइन क्लास में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। कक्षा 9 विषय संस्कृत, संस्कृत में कारक, यानी हम कारक कर रहे हैं, कारक के बारे में। कारक का पांचवा भेद अपादान कारक कर रहे हैं। अपादान कारक में भी कई भाग कर चुके हैं। आज जुगुप्सा विराम प्रमाद अर्थक धातुआ नाम योगी पंचमी व्यक्ति भवति, यानी जुगुप्सा और विराम और प्रमाद अर्थ देने वाली धातुओं के अर्थ में हमेशा पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इस बात को दिमाग में बैठा ले कि जुगुप्सा, ठीक है, जुगुप्सा विराम और प्रमाद अर्थक धातुओं के योग में हमेशा पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है, ठीक है। इनके योग में, या ये कहते हैं कि इनसे पहले जिन शब्दों का प्रयोग किया जाएगा उनमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। जैसे अब तीन उदाहरण लिखे हुए, महेशा पापा जुगुप्सते, कुलदीप अधर्मात विरमति और मोहन अध्ययनात प्रमदति। हमें इसका हिंदी अर्थात नहीं आता है या आता है उससे फर्क नहीं पड़ता, आता है तो और बेहतर है, नहीं आता है तो भी बेहतर है। हमें क्या बताना है इसमें, पहला काम है बताना विभक्ति, हमारा पहला काम है बताना यहाँ पे विभक्ति, दूसरा काम है बताना कारण कि ये विभक्ति आने का कारण क्या है, ठीक है। तीनों जगह यही बताना है हमें, पहले बताना है विभक्ति, पहला स्टेप, सबसे पहला स्टेप है हमारा विभक्ति बताना, उसके बाद दूसरा स्टेप है हमारा बताना कारण कि ये विभक्ति बताने का कारण क्या है, या ये कह सकते हैं यहाँ विभक्ति आने का कारण क्या है, क्या रीजन रहा है कि ये विभक्ति यहाँ पे आई हुई है, ये हमें स्पष्ट करना है। बाकी सब पेपर में दिया रहेगा, सेंटेंस दिया रहेगा, उसके नीचे अंडरलाइन करके दिया रहेगा। अब हमें इन बातों को क्लियर करना है, पहले बताना है कि अंडरलाइन किए हुए शब्दों में विभक्ति कौन सी है, और जो विभक्ति लिखेंगे उसका कारण देना पड़ेगा, रीजन देना पड़ेगा कि इस वजह से विभक्ति यहाँ पे आई है। जैसे पापा शब्द में मैं कह रहा हूं पंचमी विभक्ति, पापा शब्द में मैं कह दिया पंचमी विभक्ति है, चल ये हम मान ली। अब साहब पंचमी विभक्ति क्यों आया है ये बताना है, तो कारण देना पड़ेगा, कहेंगे अत्र यहां पे जुगुप्सा धातु प्रयोग वर्तते, यहां पे जुगुप्सा धातु का क्या है, प्रयोग है, क्या है, प्रयोग है। इत्यत्र कारणात्, इत्यत्र कारणात्, इस कारण से अत्र यहां पंचमी विभक्ति, पंचमी विभक्ति प्रयोग वर्तते, इस कारण से यहाँ पे पंचमी विभक्ति का प्रयोग है। अब यहाँ पे कुलदीप अधर्मात विरमति, अब मैं कहते हैं यहाँ पे पंचमी विभक्ति है, पंचमी विभक्ति है, अब कारण बताना पड़ेगा, कारण लिखना जरूरी है, तो लिखेंगे आत्र यहां पे विरमति धातु प्रयोग वर्तते, यहां पे विरमति धातु का प्रयोग है, इत्यत्र कारणात्, इत्यत्र कारणात्, इस कारण से अत्र यहां पंचमी विभक्ति, पंचमी विभक्ति प्रयोग वर्तते, इस कारण से यहां पे पंचमी विभक्ति का प्रयोग है। मोहन अध्ययनात् प्रमदति, अध्ययनात् मैं कह दूं यहां पे पंचमी विभक्ति,
पंचमी विभक्ति, कोई बात नहीं। अब कारण लिखते, कारण देना पड़ेगा, तो लिखेंगे अत्र अत्र यानी यहां प्रमाद धातु प्रयोग वर्तते इत्यत्र कारणात्, इत्यत्र कारण इस कारण से, यहां पे प्रमाद धातु का प्रयोग है इस कारण से अत्र यानी यहां पंचमी विभक्ति प्रयोग वर्तते। तो इस प्रकार से आप समझ करके कारक के इस भाग को भी करने का प्रयास करें। पहली बात कि मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि मैं नियमित रूप से जिन शब्दों को लिखवा रहा हूँ वो आपसे याद होने चाहिए, वो दिमाग में बैठ जाने चाहिए कि इन धातुओं के या इन शब्दों के योग में ये विभक्ति होगा। यदि ये सब चीज़ें आप अभी नहीं करते हो, छोड़ते जाते हो, तो आगे जा कर के आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, जो कि मैं नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि नियमित रूप से जो भी कराया जा रहा है, मैं ज़्यादा कराता नहीं इसीलिए, क्योंकि और भी सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, थोड़ा थोड़ा कराता हूँ ताकि आप रोज का रोज याद कर सकें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।